दोस्तों ऐसा क्या हो कि आपको इंग्लिश बोलना अभी से आ जाए, ऐसा क्या होना चाहिए कि अभी से आपकी जुबान से इंग्लिश बोलना शुरू हो जाए। बिल्कुल आज से और अभी से मैं आपको वो बताऊंगा, वो सीक्रेट्स दूंगा, वो फॉर्मूलाज मैं आपको दूंगा कि आपकी जुबान से इंग्लिश पानी की तरह निकलने लगेगी। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। क्लास को शुरू होने से पहले एक बार मेरे साथ बोल दीजिए, आई कैन, आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेट। और आज हम वो देखेंगे वो आखिर क्या तरीका है कि हमें इंग्लिश बोलना अभी से आ जाए। तो आप में से कितने लोग तैयार हैं, जल्दी से इस क्लास में आ जाइए, अपने लाइक बटन को दबा के इस क्लास को शुरू कर दीजिए और जानिए कि आखिर क्या होगा, जानिए कि कैसे हम बोल सकते हैं। शुरू करते हैं। यहां पर अक्सर मैं आपके लिए वो सेंटेंसेस लेकर आया हूं जो हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। यहां स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे एक लड़का और एक लड़की आपस में बैठे हुए हैं। सिचुएशन से समझिए सिचुएशन क्या है, सिचुएशन से सारी चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। खामखा आप मेरे से बहस कर रहे हो, किसी बात पर इस लड़की को गुस्सा आ चुकी है, किसी बात पर इस लड़के से वो नाराज है, लड़का उसे कुछ पूछना चाह रहा है लेकिन लड़की क्या कह रही है, खामखा आप मेरे से बहस कर रहे हो, खामखा आप मेरे से बहस कर रहे हो, खामखा। ये खामखा वर्ड कितना यूज होता है, कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में, खामखा आप मेरे से बहस कर रहे हो। आप सोचिए कैसे बोलेंगे, मैं और सिचुएशन आपको दिखाता हूं कि खामखा हम किस तरीके से कहां का बोल रहे हैं। खामखा आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं। कई बार देखिए रिएक्शन, देखिए इस लड़की का रिएक्शन, देखिए ये जो लड़का है इस लड़की को कुछ बताने का प्रयास कर रहा है लेकिन लड़की, भाई एक लड़की किसी के भी अपने सेंस से समझ जाती है कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है, वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, सामने वाले को पहचान लेती है लड़की। तो लड़की बोल रही है खामखा आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो, खामखा आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो। ऐसे सेंटेंसेस सिचुएशन समझिए और देखिए खामखा आप जिद क्यों कर रहे हो। यहां पर फिर से सिचुएशन है, यहां पर ये जो लड़की है अपने फ्रेंड से बोल रही है आप खामखा जिद क्यों कर रहे हो, ये जो लड़का है जिद कर रहा है चलो मूवी देखने चलते हैं, चलो घूमने चलते हैं, लेकिन जो लड़की है वो कह रही है भाई मैं नहीं जाना चाहती। सिचुएशन को समझिए, खामखा आप जिद क्यों कर रहे हैं, खामखा, खामखा को बोलते क्या है, खामखा को बोलते हैं बेफालतू में, बेफालतू में, बिना वजह के, है ना, बेफालतू में। मैं खामखा रिस्क नहीं लेता, मैं रिस्क जब ही लेता मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, मैं खामखा रिस्क नहीं लेता। देखिए रिस्क मैं जब ही लेता हूं जो मुझे लगता है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट होगा, आप भी खामखा रिस्क नहीं लेते होंगे। तो खामखा वर्ड कितना ज्यादा यूज हो रहा है, कितना ज्यादा यूज हो रहा है, चलिए देखते हैं इस खामखा को हम आखिर बोल कैसे सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं, खामखा टाइम वेस्ट मत करो। मैंने देखा कि आप लोग अपना टाइम बहुत वेस्ट करते हैं अपने चैटिंग पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, ना जाने कहां कहां। मैं आपको यही कहना चाहता हूं खामखा टाइम वेस्ट मत करो। तो आपने देखा होगा कि खामखा एक ऐसा वर्ड है जो सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर दिन तक आप हमेशा खामखा खामखा यूज करते रहते हैं। चलिए इसको देखेंगे कि यूज कैसे कर सकते हैं इसे। इसका जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, यहां पर स्ट्रक्चर क्या है देखेंगे, स्ट्रक्चर क्या है इसका, आखिर स्ट्रक्चर क्या है। यहां पर सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, सबसे पहले आप क्या रखेंगे मेरे दोस्त, सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। अननेसेसरीली खामखा को क्या बोलते हैं, अननेसेसरीली, बेफालतू में, अननेसेसरीली। तो खामखा मतलब बेफालतू में, अननेसेसरीली।
अननेसेसरीली को क्या करना है, इस वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद रखना है सेंटेंस में अननेसेसरीली। बोलिए, टाइप करिए, कहां ध्यान रहे बच्चे, आपसे बोल रहा हूं, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक कर दीजिए, बोलिए अननेसेसरीली 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 अननेसेसरीली, राइट। एक तरीका आपका यह हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि आप सेंटेंस बना दीजिए उसके बाद अननेसेसरी कर दीजिए, अननेसेसरीली कर दीजिए। चलिए एक बार एग्जांपल देखते हैं। खामखा आप मेरे से बहस कर रहे हो तो हम बोलेंगे यू आर अननेसेसरीली आर्गुइंग विद मी, आप खामखा मुझसे बहस कर रहे हो। इसका एक और तरीका बोलने का क्या होगा, यू आर आर्गुइंग विद मी अननेसेसरीली, आप खामखा मुझसे बहस कर रहे हो। दोनों तरीके सही हैं, दोनों तरीके से सेंटेंस को बोला जा सकता है। अगर आप पूछोगे संदीप सर आपको कौन सा पसंद है, तो मुझे अननेसेसरी में अक्सर बीच में लगाता हूं, अननेसेसरीली मैं बीच में लगाता हूं, अगर आप लास्ट में भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, डरने की बात नहीं है कि वो भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए और बताइए संदीप सर, हां हमें आज पता चल गया कि खामखा, ये जो खामखा है सुबह से शाम रात से दिन हम दिन भर बोलते हैं, आज हमें पता चल गया कि इसके लिए क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है। मेरे दोस्त यहां पर देखिए, खामखा आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो, क्या बोलेंगे, Why? मेरे साथ रिपीट करिए। स्पोकन इंग्लिश का मतलब है रिपीटेशन, आप जो सुन रहे हो रिपीट करो, रिपीट करो मेरे साथ, Why are you unnecessarily arguing with me? मतलब आप मेरे से झूठ क्यों बोल रहे हो। तो यहां पर झूठ के लिए यहां पर लिखना है टेलिंग, टेलिंग अ लाई, टेलिंग अ लाई, झूठ बोलने के लिए क्या करना है, टेलिंग अ लाई। Why are you unnecessary unnecessarily telling a lie, टेलिंग अ लाई है ना, टेलिंग अ लाई, वाई आर यू अननेसेसरीली टेलिंग अ लाई, क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो, खामखा आप जिद क्यों कर रहे हो, वाई आर यू अननेसेसरीली इंसिस्टिंग, जिद करने के लिए अननेसेसरीली इंसिस्टिंग, राइट। मैं खामखा रिस्क नहीं लेता, आई डोंट अननेसेसरीली टेक रिस्क, I don't unnecessarily take risk. खामखा time waste मत करो, don't unnecessarily waste your time. चाहो तो इन सब में आप unnecessarily last में लगा दो. Why are you telling a lie? Why are you telling a lie unnecessarily? Why are you insisting unnecessarily? I don't take risk unnecessarily. Don't waste your time unnecessarily. आप unnecessarily को last में भी लगा सकते हैं। दोस्तों ये था हमारा structure number one. चलिए देखेंगे structure number two क्या है। इस end तक मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखा चुका हूंगा, बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को involve कर चुका हूं। देखिए हमारा next आखिर structure क्या है जो हम daily बोलते हैं। नेक्स्ट, बस एक तुम ही तो हो मेरे पास, बस एक तुम ही तो हो मेरे पास, बस एक तुम ही तो हो मेरे पास। यहां पर एक पिता अपनी बेटी के साथ बैठा हुआ है और कह रहा है बस एक तुम ही तो हो मेरे पास, बस एक तुम ही तो हो मेरे पास, बहुत ज्यादा बोलते ना, बस एक जॉब ही तो है मेरे पास, बस एक घड़ी ही तो है मेरे पास, बस एक फैमिली ही तो है मेरे पास। ये जो मेरे पास है, ये जो शब्द हम सुबह से शाम तक एक दो बार नहीं हजारों बार बोलते, आप गैस करो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बस एक तुम ही तो हो मेरे पास, एक तुम ही तो हो मेरे पास। चलिए, बस एक घर ही तो है मेरे पास, एक घर है, मैंने कहा यार मेरे पास एक घर ही तो है, और क्या है मेरे पास, बस एक घर ही तो है मेरे पास। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा तेरे पास ये है वो है ये है वो है, मैंने कहा भाई बस एक घर ही तो है मेरे पास, इस घर के सिवा है क्या मेरा, बस एक घर ही तो है मेरे पास, एक घर ही तो है मेरे पास। और क्या बोल सकते हैं सिचुएशन, बस एक मोबाइल ही तो है मेरे पास, मेरे पापा ने कहा बेटा आजकल तू बहुत खर्चा कर रहा है, तू बहुत ज्यादा पैसे उड़ा रहा है, कई सारी चीजें खरीद रहा है, लैपटॉप मोबाइल कंप्यूटर टैब क्या क्या तूने खरीद लिया। मैंने कहा पापा क्या बात कर रहे हो आप, बस एक मोबाइल ही तो है मेरे पास, बस एक मोबाइल ही तो है मेरे पास, और क्या है मेरे पास, बस एक माँ ही तो है मेरे पास, है ना।
आप लोग भी तो बोलते होंगे, कुछ लोग बोलते होंगे बस एक जॉब ही तो है मेरे पास। दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं कि आजकल यार बहुत खर्चा बढ़ गया है। दूसरे कह रहा हाँ बात तो तू सही कह रहा है, बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन यार हम अपनी जिंदगी को और लग्जरी बनाना चाहते हैं। तो दूसरे दोस्त ने कहा बस एक जॉब ही तो है हमारे पास या मेरे पास, तो जॉब ही तो है मेरे पास, इस तरह के सेंटेंसेस। दोस्तों ये सीरीज मैंने शुरू कर दी आप लोगों के लिए, आज से डेली आप इस सीरीज का इंजॉय कीजिएगा। इवनिंग में आपको ये सीरीज मिलेगी जिसमें आपको डेली जिंदगी में यूज होने वाले वो तमाम स्ट्रक्चर संदीप सर इस DSL स्पोकन इंग्लिश चैनल पर देंगे, देते थे और हमेशा देते रहेंगे। अब मैं आपके साथ एकदम फुल ताकत के साथ जुड़ चुका हूं, फुल आपके साथ जुड़ चुका हूं। आप लोगों को इंग्लिश बुलवाकर मानूंगा, सिखाकर मानूंगा, सिखाकर छोड़ूंगा। बस आप लोगों को डेली इस क्लास को लाइक करना है, इस क्लास को लेना है और क्लास को अपने दोस्तों के साथ क्रांति की तरह फैला देना है, क्रांति की तरह। इसका स्ट्रक्चर देखें क्या है, इसका स्ट्रक्चर है यहां पर, आप इसका स्ट्रक्चर क्या यूज करना है, ऑल आई हैव। उसके बाद जो चीज पूछी जा रही है, कहा जा रहा है, वो यहां पर आ जाएगा। और इसी चीज को आप शुरुआत में भी रख सकते हैं, ऑल आई हैव इज यू, एक आप ही तो हो मेरे पास, और कौन है मेरा, मेरे सुख में मेरे दुख में मेरे साथ आप ही तो YouTube पर हमेशा रहते हो। तो मेरे कहने से सब बच्चे अपने लिए क्लैपिंग करें क्योंकि आप ही तो मेरे पास हो, क्लैपिंग कर दें कि हां संदीप सर हम आपके साथ हैं, साथ थे और साथ रहेंगे। आप ही तो हो मेरे पास, ऑल आई हैव इज यू, यू आर ऑल आई हैव। इसको यू को लास्ट में रखो या शुरू में रखो, मुझे दोनों पसंद है इसके स्ट्रक्चर, राइट। आप चाहे इस तरह से बोलो, चाहे आप इस तरह से बोलो, दोनों जो तुमको हो पसंद वो ही स्ट्रक्चर लगा लो तुम। अगर आप पूछोगे संदीप सर ये बताओ आपको कौन सा स्ट्रक्चर अच्छा लगता है, तो मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने दोनों आप लोगों को बताने काम किया है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा अगर आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करते हैं, आप मेरे इस नियम को फॉलो करते हैं, आप डेली क्लास को देखते हैं, दोस्तों मैं आपके साथ हमेशा आगे कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हूं। और यहां पर एक पंक्ति मेरे दिमाग में आ रही है, बिना बोले मानूंगा नहीं, बोलूंगा। तुम दो कदम चलोगे मैं 10 कदम चलूंगा। अगर आप 2 सेंटेंसेस भी बनाते हो मैं आपके लिए 10,000 सेंटेंसेस सिखाने के लिए तैयार हूं। बस शर्त यह है कि जो मैं आपको बताऊं बस आपको फॉलो करना है, बस आप कदम बढ़ाओ तो सही इंग्लिश की तरफ। संदीप सर यहां खड़े हैं आपके लिए, आपका साथ देने के लिए। बस एक तुम ही तो मेरे पास, देखिए ऑल आई हैव इज यू या यू आर ऑल आई हैव, ऑल आई हैव इज यू। टाइप करो, कमेंट करो, भर दो कमेंट बॉक्स को, ऑल आई हैव इज यू, यू आर ऑल आई हैव, दोनों सही है। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं, बस एक घड़ी तो है मेरे पास, ऑल आई हैव इज होम हाउस जो भी है, बस एक मोबाइल ही तो मेरे पास, ऑल आई हैव इज मोबाइल, बस एक जॉब ही तो है मेरे पास, ऑल आई हैव इज जॉब, All I have is job। मुझे उम्मीद है, उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है, आज की जो चीजें मैंने आपको बताई है वो आपकी जुबान में आपके दिल और दिमाग में बैठ चुकी होंगी, राइट। और बैठ चुकी तो बोल दीजिए यस सर हम सीख चुके हैं। अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी कुछ देखिए मैं आपको बताता हूं, दिखाता हूं। ये आपके लिए होमवर्क है, क्विज। अगर आप यहां तक मेरे साथ इस वीडियो में आ चुके हैं तो इन दोनों सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या होगा। खामखा आप यहां बैठे हुए हैं, बस एक बिजनेस ही तो है मेरे पास, आपको ये घर के लिए मैंने होमवर्क दिया एक एक सेंटेंस के। यहां पर मैं कहूंगा इन दोनों स्ट्रक्चर पर कम से कम आप 20-30 सेंटेंसेस जितने बना सकते हो भर दो आज कॉमेंट बॉक्स, दिखा दो आज संदीप सर को कि हाँ हम बना सकते हैं, भर दो इस कॉमेंट बॉक्स को। खामखा और ये वाला जो स्ट्रक्चर है इनको यूज करके कितने सेंटेंस बना सकते हो। और दोस्तों इस चैनल पर DSL स्पोकन इंग्लिश चैनल जो आपका चैनल है जहां पर आप घर बैठे इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं,
इस चैनल को अभी की अभी लाइक करें, इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, लिसनिंग, ग्रुप डिस्कशन, पब्लिक स्पीकिंग, इंटरव्यू स्किल्स, सब कुछ मैं लेकर आऊंगा, सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा अभी के अभी ये। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों से भी करवाइए, आप भी सीखिए, इस दुनिया को सिखाइए। बेल, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, यहां पर आपको ढेर सारी वीडियोस मिलेंगे इस चैनल पर स्पोकन इंग्लिश पर, ताकि आप अपनी जिंदगी को अभी से बदल सके स्पोकन इंग्लिश के अंदर। हमारी क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, जहां पर आप ऑनलाइन घर बैठे इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, अगर आपने अब तक ये डाउनलोड नहीं किए तो प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें, जहां पर 1 मिलियन से ज्यादा, एक दो नहीं, 1 मिलियन से ज्यादा, आप सही सुन रहे हैं, 1 मिलियन से ज्यादा हमारे डाउनलोड हो चुके हैं, हजारों नहीं लाखों लोग यहां से फायदा ले चुके हैं। अब बारी आपकी है मेरी दोस्त, अब बारी आपकी है, कहां है ध्यान आपका, सीखना है, बोलना है, इतिहास बनाना है, क्रांति लानी है जिंदगी के अंदर। ये एप्लीकेशन आपकी जिंदगी में क्रांति लेकर आएगी, डाउनलोड कर लीजिए अभी के अभी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब करने के लिए कहा है आपको, लाइक शेयर करना है और सपोर्ट करना है अपने संदीप सर को, इस क्रांतिकारी इंग्लिश चैनल को और यूट्यूब जो DSL हमारा उसको फैलाने में, ताकि आप तो सीख ही रहे हैं, आपके साथ वो दुनिया भी सीख पाए जो अभी तक यहाँ पर नहीं है अवेलेबल। DSL की हमारी ये बुक्स हैं, बहुत ही अमेजिंग बुक्स हैं गाइज, अमेजोन पर नंबर 1 ट्रेंडिंग। अगर आप चाहते हैं बुक्स को, इन नंबर्स पर कॉल करके अपने घर पर मंगवा सकते हैं अभी के अभी। ये नंबर्स हैं, नंबर्स पे कॉल करके हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन सभी बैचों की जानकारी आप इन नंबर्स पे ले सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर टेकिंग दिस ब्यूटीफुल सेशन, आई विल बी बैक विद अमेजिंग सेशन लेसन सून, टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्माइलिंग, और फैला दो इस वीडियो को क्रांति की तरह। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कॉमेंट भी करिएगा, बताइएगा इस वीडियो को कि कैसी लगी आपको, ये आपके लिए बहुत कुछ लेकर आता रहूंगा डेली। गाइज बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, फैला दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को।